तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं पानीपत, जहां पर सीएम मनोहर लाल महिला शक्ति सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं। एक महीना ऐसा भी आया था जिसमें ये जनरेशन 933 भी टच कर गई थी। अभी और हमको प्रयत्न करने हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे। आज इस महिला सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया, इसके बारे में भी भूमिका अपने को पता होनी चाहिए। हरियाणा में चूंकि हमको पता है चुनाव का बिगुल बज गया है और ये चुनाव के मात्र अब 22 दिन और शेष बचे हैं। इन 22 दिनों में हम लोगों को चुनाव की तैयारी करनी है, तो पार्टी ने सभी मोर्चे, इन मोर्चों के लिए योजना बनाई कि अपने अपने मोर्चों के माध्यम से कार्यक्रम किए जाएं। महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ऐसे सब मोर्चों के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारा ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। वैसे तो मैं अपनी बहन निर्मल बरागी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जब से इन्होंने काम संभाला है तो ये 62वां 63वां महिला मोर्चा का इस प्रकार का सम्मेलन सारे प्रदेश में हो रहा है। कितने हो गए? 63 हो गए। आज 63वां सम्मेलन है। बहुत हमारी ये, जिनको मैं कहना कहूंगा कि शेरनी घुमक्कड़ हमारी ये नेता है जो सारे प्रदेश में घूम घूम करके महिलाओं को जागृत कर रही है। मैं इनको बधाई देता हूं और इनकी टीम को भी बधाई देता हूं जो इस प्रकार के सफल कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी का विचार आप लोगों के माध्यम से जनता में जा रहा है। आखिर कोई भी मोर्चा हो, पार्टी ने भी बड़े बड़े कार्यक्रम कुछ हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। मुझे भी पार्टी ने कहा कि आपको मुख्यमंत्री के नाते पूरे प्रदेश में घूमना चाहिए। और आपको ध्यान में है कि 18 अगस्त को हम लोग आशीर्वाद यात्रा लेकर के पूरे प्रदेश में निकले। 90 की 90 विधानसभाओं में मेरा जाना हुआ, लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, 1200 कार्यक्रम हुए, लगभग 700-800 तो मेरे अपने भाषण हुए होंगे, और इस प्रकार लगभग 20 लाख लोगों ने उस यात्रा में अपनी सद्भावना प्रकट की, हमको समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। इतना बड़ा कार्यक्रम हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, किसी नेता का नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का नहीं हुआ, 20 लाख लोगों को एक साथ 15 दिन के अंदर मिलकर आने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हरियाणा की जनता ने किया। मैं हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करता हूं। लेकिन चुनाव है, हर दिन हमको कोई ना कोई काम आगे बढ़ाना है, हर दिन कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि हरियाणा में कभी हरियाणा क्या कहीं भी कोई चुनाव होता है तो उस समय एक होड़ लगती है सब पार्टियों की कि हम अधिक से अधिक लोगों को संपर्क करें, अपनी तरफ लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी पहली बार 5 साल हमने हरियाणा में शासन किया और इन 5 सालों में जो जनता की सेवा हमने की है उसमें सब सेवा के आधार के ऊपर जनता में यह मन बनाया है कि इस बार हरियाणा में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर हम दोहराएंगे और 75 से ऊपर सीटें ला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी। ये एक जनता में माहौल बना है। फिर भी लगातार चुनाव चुनाव होता है। हम लोग इस आने वाले जो 20-21 दिन का समय प्रचार का हमारा है, लगातार इसमें काम करते रहना है। जब लगातार काम करना है उसके अंदर विपक्ष के लोग भी आएंगे और तरह तरह की बातें वो फैलाएंगे, तरह तरह की बातें फैलाएंगे। हमारी जो विशेषताएं हैं पिछले 5 साल की, जिन विशेषताओं के कारण से उनको लगता है हमारे नीचे से जमीन खिसक गई है, उन विशेषताओं के ऊपर भी वो चोट करेंगे।